हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका दिन बेहतरीन जाए। आई होप गाइस आप सबका दिन ऑलरेडी अच्छा जा रहा होगा। आप रेस्ट रहे सभी। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चेक कर लेते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज अभी इस वक्त आपके बारे में, क्या है उनकी फीलिंग्स और इमोशंस। तो फोकस उन पर बनाकर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रेज ज़रूर कर लीजिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। तो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और थॉट्स। फोकस बनाकर रखिए अपने पर्सन पर। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है करेंटली, वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या है उनकी फीलिंग्स करेंटली, क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में आपके पर्सन मोमेंट टू मोमेंट। ओके, आपके पार्टनर का आप ड्रीम हो, ख्वाब हो, आपके पार्टनर का बिल्कुल आप विश हो, चाहत हो, आपके पार्टनर को आपके साथ बढ़ना भी है, पर आपके पार्टनर केयरफुली बढ़ना चाहते हैं, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे ये आपको खो दे, हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ जाए। आपके पार्टनर बहुत ही केयरफुली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच, जैसा आप दोनों का है, इनको पता है जो रिलेशनशिप होता है कभी कभी काफ़ी नाजुक होता है, कुछ भी स्टेप लेने से कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे से जानते हैं इनकी फीलिंग्स, मैं यही देख पा रही हूँ कि मुझे बिल्कुल इसके साथ आगे बढ़ना है, बट बहुत ही केयरफुली, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी इन्होंने कुछ करा था जिसके वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गई। तो अब आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल ये अवेयर है, ये कॉन्शियस है, ठीक है। और क्या है इनकी फीलिंग्स आपके बारे में, ड्रीम देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। ये टॉरस वर्गो के कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या तो कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस इनका या आपका शाइन हो सकता है। आपके लिए नंबर 2, 6, 26, 62 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यूनिवर्स बताएं मुझे इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। भरोसा करना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, चाहे आपका हो, फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, इनको सपोर्ट चाहिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसा देख पा रही हूँ, अगर इनको आपके साथ आगे बढ़ना हो या हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ चाहिए, लाइक शादी या हमेशा आप दोनों साथ रहो, तो किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत हो कि आपके शादी के लिए बिल्कुल फैमिली की मर्जी ज़रूरी है, चाहे आपकी फैमिली हो, इनके खुद की फैमिली हो, तो फैमिली को यहाँ पर राज़ी करना है, फैमिली का एक्सेप्टेंस चाहिए आपके पार्टनर को। उसको कैसे मनाना है आपके पार्टनर इस बारे में सोचते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इनको इनके फैमिली को कैसे मनाना है, कैसे बात करना है, कैसे राज़ी करना है, कैसे आपके रिश्ते के लिए हाँ करना है, हाँ कर पाना है। तो ये मुझे आपके पार्टनर का सोर्स दिखाई दे रहे हैं, और आपके पार्टनर आपको हमेशा सपोर्ट करना चाहते हैं। आपको ड्रीम है, ख्वाब है, आप करना चाहते हो अपने करियर में कुछ, आप जो भी करना चाहते हो ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और जो इनका ड्रीम ख्वाब है, जो इनका गोल है, ये आपका साथ चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए, दे रहे हैं तो चाहिए भी, ठीक है। और अगर आप कुछ दे रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, तो बिल्कुल ये करेंगे। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस इनका या आपका शाइन हो सकता है, या तो एरीज लियो सजिटेरियस। और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 24 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 44 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 44 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, कंडीशनिंग। ओके, आपके पार्टनर ने ना ये ज़रूर महसूस किया है अब तक जो भी आपके रिश्ते में हुआ है, कि जैसा भी है हमारा कनेक्शन, पर कभी टूट नहीं सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी इस रिश्ते का एंड नहीं हो सकता, चाहे जो भी कंडीशन सिचुएशन हो, जितना भी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो, पर हम एक दूसरे का साथ कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने देखा है आप दोनों बिछड़ते हो, मिल जाते हो, बिछड़ते हो, मिल जाते हो, ऐसा होते आया है, हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पर, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी न किसी तरह का, तो यहाँ पर केयरफुली आगे बढ़ना है, कुछ ऐसे कदम नहीं उठाना चाहते जिससे तकलीफ़ हो, कुछ चीज़ सही ना हो,
ठीक है, ऑलरेडी मुश्किल हालात में है या कर दिया है इन्होंने, अगर थर्ड पार्टी है तो, स्पेशली एक्सटर्नल अफेयर है तो यहाँ पर केयरफुली इनको आगे बढ़ना है, चाहे फैमिली हो थर्ड पार्टी चाहे कोई और हो, तो आपके पार्टनर यहाँ पर केयरफुली आगे बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए आपका साथ पाने के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, कुछ वक्त का दूरी अभी हो रही है, आपसे बना रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, तो वो सही है, वो राइट है, ये इनकी फीलिंग्स है। ठीक है, अगर अभी आज हम दोनों दूर हैं तो फ्यूचर में होंगे ही साथ, और फ्यूचर में साथ होने के लिए अगर आज कुछ वक्त की दूरी है, आज हम डिसकनेक्ट हैं, तो कोई बात नहीं, वापस हमें कनेक्ट होना ही है, रिकनेक्ट होंगे ही होंगे, ये इनका सोच है। और क्या है इनकी फीलिंग्स, और क्या सोच रहे हैं ये जेंटलमैन, ये वुमेन हो सकते हैं, काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, वही कभी कभी ये काफ़ी क्रूअल हो जाते हैं, इनसे भी ज़्यादा कभी कभी ख़तरनाक कोई नहीं हो सकते, इस एनर्जी में पहुंच जाते हैं आपके पार्टनर, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। या तो इनका सोच है कि आपके पार्टनर ने ना ऐसा महसूस किया है कि आपका साथ पाने के लिए सॉफ्टनेस और रूडनेस दोनों ही ज़रूरी है, दोनों को ही बैलेंस में करके आगे बढ़ना है, जहाँ जिस सिचुएशन में जिसकी ज़रूरत होती है वही अपनाना है, वही फॉलो करना है, उसी एनर्जी में रहना है। ठीक है, ये मुझे इनका सोच दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स और क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को क्या है इनके पार्टनर का मैसेज। साइलेंस, ओके, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, अभी आप दोनों के बीच दूरियां हैं या खामोशियां हैं, साइलेंस है सब कुछ, पर डोंट वरी, आप दोनों साथ में आओगे, सेलिब्रेशन में आओगे, आप दोनों जल्द ही मिलोगे, फ्रेंडशिप होके या आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन आएंगे, ये ला कर रहेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के लिए आप काफ़ी कीमती हो, बेशकीमती हो, आपके पार्टनर के लिए आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर ज़रूर आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, पर इज़ अ फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं मैरिड हो सकते हो या तो ये पर्सन है। अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर मैरिड हैं, करने जा रहे हैं, तो ये आपको एक फ्रेंड की तरह फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, ये भी मुझे एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, पर ये एक बहाना है आपको खुद का साथ रखने का, आपको अपने पास रखने का, टच में रहने का, कॉन्टैक्ट में रहने का। यूनिवर्स बताए मुझे इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या ले सकते हैं इनके पार्टनर अगले कुछ घंटों में, इनके पार्टनर के एक्शन क्या हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या स्टेप ले सकते हैं। स्लोविंग डाउन, आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो आपको और भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है, वेट करना पड़ सकता है मिलने के लिए, यूनियन के लिए, या इनके साइड से बेस्ट ऑफर के लिए, एक्शन के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर ज़रूर आपकी ओर बढ़ रहे हैं, पर काफ़ी स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं ये पर्सन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर एक्शन लेने वालों में से ये हैं, ओवर थिंकर काफ़ी ज़्यादा हैं, सोचते काफ़ी ज़्यादा हैं, और एक्शन लेने की बारी आई तो वहीं इनका जो चाल है काफ़ी धीमी होता है। ठीक है, इनको धीरे धीरे आगे बढ़ना है आपके साथ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वक्त लग सकते इस पर्सन को आपके पास आने में, आपकी ओर बढ़ने में, या आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने में, पर बढ़ाएंगे ज़रूर, आगे ज़रूर बढ़ेंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और क्या हो सकता है इनके एक्शन, यूनिवर्स बताएं मुझे। मैं ना कुछ लोग लिए ऐसा भी देख पा रही हूँ, अगर हो सकता है कि आप दोनों ने मिलने का प्लान बनाया है, या आपके पार्टनर ने कहा था कि आपसे मिलने आ रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर पोस्टपोन करना पड़े कि नहीं, ये नहीं हो सकता, सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये काम आ गया, वो हो गया फैमिली में, तो नहीं मिल सकते हम, इस तरह का भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मिलने वाले थे तो पोस्टपोन कर सकते हो उसको, मीटिंग को। ठीक है, आपके पार्टनर को ना कहीं से लेट गो करना होगा,
आपके पास आने के लिए, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। कहीं से लेट गो करना होगा आपके पार्टनर को, ठीक है, तब जाकर आपके साथ यूनियन में आएंगे, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, या आपके साथ रिश्ता जो है वो आगे बढ़ेगा। तो हिम्मत, करेज से, पेशेंस के साथ काम ले रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। काफ़ी मैच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, जैसे भी हैं काफ़ी कूल एंड काम है राइट नाउ, कोई टेंशन वेंशन नहीं है इनको करेंटली, मैं देख पा रही हूँ काफ़ी कूली कामली होकर डील कर रहे हैं सिचुएशन से, ठीक है। इनको पता है बढ़ना तो आपके पास ही है, आपकी ओर ही है, इन्होंने कभी आपको गिव अप नहीं किया है, ठीक है, न करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।